हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। कितने सारे मुझे DM मैसेजेस कमेंट्स भी आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लाइक उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है और वो लोग चाहते हैं कि हमें BMS कॉलेज में अपनी सीट लॉक करनी है, लेकिन उनको अभी अपना ड्रीम कॉलेज अगर MBBS का लेना है और वो फिर से रीअटेम्प्ट देना चाहते हैं नीट के अंदर वापस, तो वो ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कोई बॉन्ड ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में जो लोग पूछ रहे हैं कि बॉन्ड का आखिर में मतलब क्या है, काफ़ी लोगों को ये भी क्वेरी थी। तो देखो भाई, जब हम लोग कोई और कॉलेज लेने के लिए अपना जो आपने BMS का सीट लॉक करा है, जो कॉलेज लॉक करा है गवर्नमेंट कॉलेज, जब उसे बीच में ही छोड़ते हैं, लाइक आपकी काउंसलिंग के बाद नीट की आप उस कॉलेज से ब्रेक ले रहे हो और आप छोड़ रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स रिमूव कराने हैं, तो कुछ कॉलेज की पॉलिसीज होती है तो उसी को बॉन्ड कहते हैं। अब उसके अंदर या तो बॉन्ड फ्री कॉलेज हो सकता है या फिर फाइन वाला हो सकता है। जो भी कॉलेज आपको बॉन्ड वाला कॉलेज होगा, अगर आप उसे ड्रॉप करोगे बीच में ही, तो आपको कुछ एक साइन करा लेंगे वो लोग, जिसके अंदर पहले से एक ड्राफ्ट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अगर आप कोई भी नॉर्म्स तोड़ोगे, लाइक कॉलेज बीच में छोड़ रहे हो या जो भी उनकी पॉलिसीज को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको एक फ़ाइन देना होगा। आपसे वो पहली एडमिशन के टाइम पर साइन करा लेंगे, तो वो होगा बॉन्डेड कॉलेज। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराते, जिसके अंदर अगर आपको MBBS की सीट मिल गई या आपको कोई और कॉलेज चाहिए, कुछ भी आप फॉर अ रीज़न बीच में छोड़ रहे हो, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक एप्लीकेशन के बेसिस पे वापस कर देंगे। बॉन्ड कॉलेजेस की जो फ़ाइन होती है वो 1,50,000, 2,00,000, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ क्या है, जितने भी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में BMS के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आपके BHU हो गए, NIA, ITRA और जितने भी गवर्नमेंट एडिड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो भी टोटल कॉलेजेस हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगी। वीडियो सीक्वेंस में रहेगी सेंट्रल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट है बट गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू चल रहे हैं, जिसके अंदर फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारी सारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती है जो प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। ये वीडियो पूरी ऑथेंटिक है, लास्ट ईयर के AAACC के डाटा बेस्ड है। इस बार जितने पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट्स और ऐड होंगे वो मैं काउंसलिंग के टाइम पे आपको ऐड कर दूंगी, जो भी कॉलेजेस नए आए हैं। बाकी अभी तक का ये डाटा 2022 की काउंसलिंग का है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपको आगे कौन सा कॉलेज लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पर एनम के अकॉर्डिंग भी बता दिया है, तो आप ट्राई करना कि आपको सबसे कम वाले पैसे वाले कॉलेज भी मिल जाए अगर आपको वापस से नीट देना है, जिससे आपका कम से कम लॉस हो। बाकी अगर किसी को आयुर्वेद आगे परस्यू ही करना है तो वो तो बेस्ट कॉलेजेस में जाए, आई विश, और आप उसकी लिस्ट जो है वो मुझसे मांग सकते हो। बाकी अगर आपकी जितनी रैंक है, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपनी रैंक बताई थी, उन्हें रिप्लाई कर दिया है कि कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है, तो अगर आपको भी ऐसी कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। तो वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस अलग अलग स्टेट्स के, लाइक MP, UP, बिहार, लखनऊ, जो भी है सबके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलेज।
ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के मैंने कवर कर दिया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पूछना हो कि इसमें मेरा हो सकता है या फिर अपने स्टेट का कोई कॉलेज, तो आप मुझे अपनी रैंक मैसेज कर देना। आई विल ट्राई टू आंसर। मैं सर्च आउट करके आपको बता दूंगी कि सेफेस्ट रैंक उस कॉलेज की क्या है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड, जो गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू चल रहे हैं, लाइक कुछ फंडिंग वगैरह, तो उन कॉलेजेस को देखते हैं उनकी कितनी फीस है। और ये सारे ही कॉलेजेस बॉन्ड फ्री है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको सारा डाटा मैंने एक वीडियो में डाला। ये पूरी वीडियो के अंदर सारे कॉलेजेस कवर हो चुके हैं, तो आपको इधर उधर सर्च आउट करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह पे मैंने सारा डाटा दे दिया जितने भी बॉन्ड फ्री कॉलेजेस हैं उनका। अगर इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम या फिर इंस्टा हैंडल पे DM कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस कॉलेज